यहाँ देख सकते हैं वो 8 सवाल हैं जिन पर इसमें आपत्ति आई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प ए गुरला मंधाता को सही बताया है, जबकि छात्रों का कहना है कि इसमें विकल्प ए और बी यानी नामचा और बरुआ दोनों सही, बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही आंसर इसके सही है, लेकिन वहाँ पे आयोग ने एक ही केवल मान रखा है। यहाँ प्रश्न सेकंड देख सकते हैं 54 में नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। यहाँ कारण आर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर आपको चुनना था। तो छात्रों तर्क है कि इसमें आयोग ने उत्तर ए को सही बताया है जबकि छात्रों ने विकल्प डी को सही माना है, और रियल में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें विकल्प डी ही सही है। प्रश्न 91, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोटों में सही उत्तर चुनना था। तो यहाँ देखिए नायक समिति, आबिद हुसैन समिति और एएस कोहली समिति और कार्बे समिति है। तो यहाँ पे जो छात्रों का तर्क है कि आयोग ने चार विकल्प में से सी को सही माना है जबकि छात्रों ने चारों विकल्पों को गलत ठहरा है। तो सही में आप देखा जाए तो ये इसमें चारों विकल्प में कोई आंसर सही नहीं है, आयोग ने सी दिया है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 93 में देख सकते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए था दूसरे को कारण आ कहा गया है। कथन ए, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, ऐसा बोल रहा है। तो कारण आर में देखिए पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम को भागीदार की दर में गिरावट आई है। तो यहाँ पे छात्रों को जो तर्क है बिल्कुल सही भी है कि इसमें आयोग ने विकल्प ए को सही ठहराया है जबकि छात्रों ने बी को सही ठहराया है। तो यहाँ पे बी सही आंसर है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न 8 है इसमें कॉमन अंक मिलने की पूरी संभावना है यदि इसे वो कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 में देख सकते हैं कि में नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए था दूसरे को कारण आर कहा गया है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, यहाँ कारण आर दिया हुआ है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, और छात्रों तर्क है कि आयोग ने विकल्प बी को सही माना है जबकि छात्रों ने विकल्प ए को सही बताया है। अब यह हो सकता है अगले वीडियो में आपको दिखाऊं कौन से इसमें विकल्प दिए नहीं दिए, वीडियो काफी बड़ा हो सकता था। प्रश्न 111 में भी हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है या है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ छात्रों तर्क है कि आयोग ने बी विकल्प सही माना जबकि छात्रों ने डी को माना है, तो यहाँ पर डी विकल्प ही सही है। 112 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आ कहा गया है। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे कथन आर जो है आप देख सकते हैं कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र प्रमुख सिक्का दाम था। तो छात्रों का तर्क था कि आयोग ने चार में से विकल्प बी को जबकि छात्रों ने ए को सही ठहराया है। और लास्ट में यहाँ देख सकते हैं 8वें नंबर जो क्वेश्चन है 122 नंबर पे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ कथन देख सकते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग्स काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे कारण देख सकते हैं कि वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोग ने बी आंसर को सही मान रखा है, तो यहाँ पे भी ए सही है। तो मित्रों यदि आप इस चैनल पर नए हैं आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे संबंधित आगे आपको और अपडेट मिलती रहेगी। मैं भी आपकी तरह एक अभी स्टूडेंट ही हूँ, और ये मान के चलें कि ये 8 प्रश्नों पे मैं 105 से अधिक, वैसे तो 8 प्रश्न जो है कंसीडर उनको करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सही तर्क दिए गए हैं, और आज भी अभी हम लोग और भी इस पर संबंधित आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। फिर भी मान के चलें कि इसमें 6 क्वेश्चन तो 100% इसमें सिमिलर अंक उनको देने पड़ेंगे।
वीडियो क्लास में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।